Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. 21 days formula. ये मेरा personal ऐसा formula है जो मैंने खुद बहुत use किया है, जो आप अपनी life को change करने के लिए use कर सकते हो. आप अपनी life इस formula के through पूरी तरह से बदल सकते हो. फिर भले आपके कोई भी goals आपको achieve करने हैं, जैसे अगर आप weight loss करना चाहो तो, अगर आपको कोई नई discipline लानी है अपनी life में, जैसे अक्षय कुमार की तरह सुबह 4 बजे उठ के अपनी लाइफ को सक्सेस बनाना, या फिर आपको एक टाइम पर सोने की आदत डालना, या फिर अगर आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो उसकी कोई टेक्निक्स ले आना, या फिर आपकी लाइफ के कोई स्पेसिफिक गोल्स जैसे फाइनेंशियल हुए, करियर रिलेटेड हुए, रिलेशनशिप वाइज हुए, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, इन सारी चीज़ों में ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा. जब मैं बहुत छोटा सा था ना, तकरीबन 4-5 साल का, मेरी नानी हमेशा कहती थी कोई भी चीज़ 21 बार करो आपको उस चीज़ की आदत लग जाती है. उस जमाने में खैर मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये क्या बातें होती है. इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स जो बड़े कहते हैं, आई यूज्ड टू डिस्कस. बट बहुत आगे जाकर जब मैं नंबर्स के साइंस के बारे में सीखना चालू किया, तभी जाकर मुझे इसका इम्पोर्टेंस पता चला. एंड देन आई केम अप विद दिस स्मॉल मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स एंड A manipulation of time. आप कोई भी चीज 3 बार करो, उस चीज को एक रिदम मिलता है. इसीलिए अगर आप देखोगे तो पुराने वैदिक शास्त्रों में हर चीज को 3 बार किया जाता है. अभी उसको 3 बार करने के अलग अलग कारण, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है. Some people say it is for the body, the mind and the soul. Some people say it is for the 3 realms, which is your heaven, the earth and the hell. But अगर आप कोई भी चीज 3 बार करते हो ना, तो वो चीज एक रिदम में आ जाती है. अगर किसी चीज को आपको याद करना है, इसका नाम याद करना है, तो 3 बार उस नाम को अपने दिमाग में रिपीट करो और उस चेहरे के साथ उस नाम को एसोसिएट करो, आपको वो नाम याद हो जाएगा. इट स्टार्ट्स विद डूइंग समथिंग 3 times. अगर आप अपने आप को कहोगे कि कल से मैं ये चीज करूंगा, जैसे कल से मैं स्पाइसी खाना छोड़ दूंगा, या कल से मैं तला हुआ खाना छोड़ दूंगा, आप कुछ दिन तक कर पाओगे, लेकिन आगे इसको सस्टेन करना मुश्किल होता है. इसीलिए उसको एक डेफिनेट टाइम फ्रेम दे दीजिए, 3 दिन. मैं अगले 3 दिन बाहर का तला हुआ खाना नहीं खाऊंगा, या अगले 3 दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे बना खाना खाऊंगा. 3 दिन इजी है ना, 3 दिन कोई मुश्किल बात नहीं होती है. और 3 दिन जब आप किसी चीज को करोगे, तो अपने आप को थोड़ी सी एनकरेजमेंट और एक्नॉलेजमेंट दीजिएगा कि यस, आई सेट अ गोल फॉर माई सेल्फ एंड आई कुड डू इट. और इसको आपको और 3 दिन दोहराना है, और ऐसे 3-3 दिन करते हुए आपको इस फॉर्मूले को 7 times करना है. इस तरह से आप 21 दिन किसी चीज को कॉन्स्टेंटली कर पाओगे विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअली आपने इतने लंबे समय तक किसी डिसिप्लिन को पकड़ा और उसको धर कर आपने उसको पूरा किया. इनफैक्ट ये फॉर्मूला मैंने लाइफ में बहुत बार ट्राई किया है, एंड बिलीव मी, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पर्सनल लाइफ में इसी के थ्रू आए. फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टडीज और पढ़ाई में फोकस रखना बहुत मुश्किल चीज़ लगती थी. अभी कुछ ऐसी आदत लग जाती है कि जब हाथ में मेरी कोई किताब आती है तो नीचे रखना मुश्किल हो जाता है. अगेन, आई हैव टू कंट्रोल एंड डिसिप्लिन माय सेल्फ. या फिर मुझे बाहर के खाने की बहुत आदत थी, या फिर मेरे खाने की टाइमिंग भी नहीं रहती थी. कभी सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट कर दिया, कभी 9 बजे ब्रेकफास्ट कर दिया. इनफैक्ट एक दिन मैंने ऐसे तय किया था कुछ सालों पहले कि सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे मेरा दिन हैवी ब्रेकफास्ट से शुरू करना है, और वहां से मेरे रूटीन खाने पीने की शुरुआत हुई. आप इस फॉर्मूला का यूज करिए एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. अगर आपको कोई फाइनेंशियल टारगेट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक सर्टन अमाउंट ऑफ सेविंग करनी है, तो छोटे छोटे गोल्स लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगले 3 दिन तक मैं ऑनलाइन कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदूंगा जिसकी मुझे एब्सोल्युटली जरूरत ना हो. ऐसे 3-3 दिन करके आपको 7 days तक इस चीज को फॉलो करना है. एक बार 21 दिन आपने कोई चीज की, तो उसके बाद जब भी आप किसी चीज को ऑनलाइन शॉप करने जाओगे, आपके मन में ये सोच जरूर है कि इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, डू आई रियली नीड टू स्पेंड माय हार्ड एंड मनी बिहाइंड दिस थिंग. और दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आप लाइफ में रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने लाइफ में डिसिप्लिन लानी है कि अगर आप नए पार्टनर या नए इंसान को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, आर यू अवेलेबल फॉर दैट पर्सन. और सबसे पहले अपने आप को उस चीज के लिए अवेलेबल करिए, छोटी छोटी चीजों से, कि दिन के हर दिन 15-20 मिनट में ऐसे रखूंगा जो मेरे खुद के लिए है.
कुछ नहीं करना है उस वक्त, ना मोबाइल देखना है, ना काम के बारे में सोचना है, ना कुछ करना है, और कुछ ना कुछ करके 3-3 दिन के लिए आपको इस चीज को अपनाना है, इस चीज को आजमाना है। मेक श्योर दैट एवरी डे यू एटलीस्ट गेट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ। इस तरह से आपने अभी एक स्पेस क्रिएट की अपने लाइफ में किसी और एक्टिविटी के लिए, किसी नए इंसान के आने की पॉसिबिलिटी के लिए। इसी तरह से आप अपने अफर्मेशंस को भी यूज कर सकते हैं। अफर्मेशंस क्या होते हैं, इसको किस तरह से यूज करना है, इसका क्या फायदा होगा, इसका एक अलग वीडियो बना के हमने नीचे लिंक में दिया है, प्लीज लुक एट इट। अफर्मेशंस यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अफर्मेशंस भी करने के लिए अगर आप 3-21 डेज का फॉर्मूला यूज करते हो तो आप फिनोमिनल चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, उनको अचीव कर सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने हमारे क्लाइंट के एक 6 साल की बेटी के साथ यूज किया था। उनको बहुत उल्टे जवाब देने की आदत थी, उनको बहुत गुस्सा आता था और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और उनके पेरेंट्स बहुत परेशान थे बिकॉज स्कूल से भी काफ़ी कंप्लेंट आती थी कि स्कूल में भी बड़ी मस्ती करता है या बदमाशी करता है। तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, उनसे बात की और कुछ छोटे से टारगेट दिए। उनको सबसे पहले हमने पूछा कि फेवरेट चीज़ क्या है। जब उन्होंने कुछ अपनी फेवरेट चीज़ें कही, जब उन्होंने कुछ अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ कही, तो हमने उनको कहा कि आपको एक काम करना है, अगले 3 दिन तक ना आपकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी बात छुपती है या कोई भी बात आपको कहनी है, आप उसको मुँह से एक्सप्रेस करो। और ऐसे धीरे 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 करके हमने जो उनको चीज़ें चाहिए वो धीरे धीरे उनका हर दिन की बात थोड़ी थोड़ी देते गए। लेकिन इससे उनके बिहेवियर में इतना डिफरेंस आया कि उस 21 डेज में वो बच्चा जो हर चीज़ को गुस्से में एक्सप्रेस करता था, वो अभी बात करके उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने लग गया है। इनफैक्ट अगर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उसके पेरेंट्स से कुछ ही दिनों पहले मुझसे शेयर किया था, अगर उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वो सामने आकर नेगोशिएट करने लग गया है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये रीजन्स है। अभी उसका गुस्सा तो तकरीबन ना के बराबर हो गया है। ये फॉर्मूला आप अपने छोटे बच्चों के साथ ही अपना सकते हो, बड़ों के साथ अपना सकते हो, हर एक जन इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप उसके बेनिफिट्स यूज़ कर सकते हो। जब आप अपने सामने बहुत बड़ा कोई टारगेट रखते हो ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ डेडलाइन टू इट, उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो। जब मैं कहता हूँ कि अगले 3 दिन तक मैं कुछ करूँगा, तो मुझे एक इंस्पिरेशन भी रहती है, वो एक्साइटमेंट भी रहती है, और जब हर 3 दिन के बाद में किसी टारगेट को अचीव करता हूँ, एक खुद मुझ में वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, येस आई कैन सेट टारगेट्स एंड आई कैन अचीव देम फॉर माई सेल्फ। सेकेंडली मेरी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग एक रिवॉर्ड सिस्टम में बदल जाती है, मेरा मन एक पॉजिटिव फ्रेम में चला जाता है कि येस मैं अपने लाइफ में कुछ गोल्स रख सकता हूँ और मेरे भी गोल्स कंप्लीट होते हैं, मुझे उस बात की आदत हो जाती है। कई लोगों को ये टारगेट्स रखने की, उनको अचीव करने की आदत नहीं रहती है जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट। कई लोग अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें बात करते हैं बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं भी कुछ चीज़ अचीव कर सकता हूँ, मैं भी कुछ चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, छोटे छोटे टारगेट्स और गोल्स, छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स अपने लिए सेट करिए, और इसके थ्रू आप इस तरह की कुछ हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो जो आपकी लाइफ गारंटेड ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है या और भी कोई डिटेल्स जाननी है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा। इफ़ यू वांट टू कैन कॉन्टैक्ट अस पर्सनली, हमें डीएम करिएगा। आई बी हैप्पी टू पर्सनली वर्क विथ यू एंड गाइड यू ऑफ हाउ टू यूज सर्टेन फॉर्मूलाज ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर फ्रॉम यू। सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू।